हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो आरपीएफ एसआई की जो फाइनल कट ऑफ है उसके बारे में, और जो फाइनल मेरिट लिस्ट है दोनों के बारे में अपन बात करने वाले हैं। साथ ही इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो फाइनल लिस्ट है वो पहले क्यों आई है, क्या मेडिकल में आपको बाहर कर दिया जाएगा, ये सब इसी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो एंड तक वीडियो ज़रूर देखें। तो काफ़ी स्टूडेंटों ने मुझे कहा है कि सर इतनी कट ऑफ रह ही नहीं सकती, आप पागल बना रहे हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि जो कट ऑफ रही है फाइनल वो क्या रही है। तो यहाँ पे आप, ये मेन साइड है जिसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हो। यहाँ पे आपको फाइनल कट ऑफ मार्क्स दिखा रहा है और यहाँ पे फाइनल मेरिट लिस्ट दिखा रही है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट ओपन हो जाएगी, सभी ग्रुपों की डाल दी गई है, ठीक है। और जो ग्रुप ई है उसका मेडिकल भी कंप्लीट होने वाला है, ठीक है। और जो मेडिकल का जो कॉल है आपको, वो आपके रजिस्टर्ड नंबर है उस पर या फिर आपकी जो ईमेल है उस पर आपको डायरेक्ट आएगा। इस पर वेबसाइट पे आपको मेडिकल के लिए नहीं डाला जाएगा, ठीक है। तो इसमें जो दे रखा है, एक फॉर्म दे रखा है, वो फिलअप करके आप ज़रूर रखें, ठीक है। जैसे ये फॉर्म दे रखा है, अटेंशन फॉर्म इम्प्लांट कैंडिडेट, ठीक है। तो ये फॉर्म आप ज़रूर रखें अगर आपकी जो फाइनल कट ऑफ लिस्ट है उसमें आपका नाम आया हुआ। तो उसके बाद में अपन इसकी जो कट ऑफ मार्क्स रही है वो उसकी बात करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हो फाइनल कट ऑफ मार्क्स ग्रुप वाइज है एसआई की। तो इसमें सबसे पहले अपन ग्रुप ए की बात करते हैं, ठीक है। तो ए ग्रुप में फीमेल की जो रही है वो कुछ इस तरह से रही है, जनरल की 83.6, ठीक है, ओबीसी की 80.56, उसके बाद में जो रही है एससी की 73.78। और एक बात और, ये जो कट ऑफ है ये नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आई है, ठीक है। ये आपके डायरेक्ट नंबर नहीं है, आपके रॉ मार्क्स कुछ अलग हैं। वो मैंने आपको पहले जो वीडियो अपलोड किया था उसमें बता दिया था कि आप अपने मार्क्स कैसे चेक कर सकते हो। तो जो भी नए स्टूडेंट हैं वो वीडियो ज़रूर वॉच कर लें चैनल को सब्सक्राइब करके, ठीक है। तो ये आपकी ग्रुप ए की है गर्ल्स की और ये मेल्स की है। तो इसमें आप देख सकते हो कि जो इसमें यू आर की कट ऑफ रही है वो 103 रही है, ठीक है। और इसमें ग्रुप ए में, ठीक है, ऐसा है नहीं अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कि जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा जाए ओबीसी की, लेकिन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसमें ओबीसी की कट ऑफ आप देख सकते हो जनरल की कट ऑफ से ज़्यादा दे रखी है, बल्कि ऐसा किसी वैकेंसी में होता नहीं है, लेकिन आरपीएफ में हुआ है ऐसा कि ओबीसी की जो कट ऑफ है वो जनरल से ज़्यादा है। तो ओबीसी की 104 और जनरल की 103 है, बाकी जो आप यहाँ देख सकते हो। इसके बाद में अपन ग्रुप बी की बात करें तो ग्रुप बी की भी कट ऑफ कुछ इस तरह से है कि जो जनरल मेल्स की है वह 106.4 है और जो फीमेल की है जनरल की वो 90 है, ठीक है। और ये ओबीसी की गर्ल्स और ये ओबीसी मेल्स, ठीक है। तो ये आप यहाँ से चेक कर लेना। अपन बात करते हैं जो सबसे ज़्यादा कट ऑफ रही है ग्रुप डी, जो नॉर्थ रीजन से आता है। तो इसमें आप देख सकते हो किसी को बिलीव नहीं हो रहा था क्योंकि सब मुझे फेक न्यूज़ बता रहे थे कि सर ये तो फेक न्यूज़ है आपकी। कुछ स्टूडेंटों के कमेंट्स आए थे इसलिए मैंने वीडियो बनाया है। तो यहाँ आप देख सकते हो कि जो जनरल की कट ऑफ है वो 120 में से क्या रही है, 119.68। अब आप देख सकते हो कि सिर्फ 120 में से जिसके 119.68 मार्क्स आए हैं उन्हीं को फाइनल जो सीट है वो अलॉट होगी, ठीक है। और वैसे ही ओबीसी की है 115.18, ठीक है। ये नॉर्मलाइजेशन के बाद हुआ है, तो अब पता नहीं है किस रेशियो से उन्होंने नॉर्मलाइजेशन किया है और किस मेथड से ऐसा नॉर्मलाइजेशन किया है कि जो कट ऑफ है वो 119 पहुंच गई है। तो ये आप यहाँ पे कट ऑफ देख सकते हो सभी ग्रुप की, ठीक है। तो ये तो हो गई आपका जो कट ऑफ से रिलेटेड
जो स्टूडेंट बोल रहे थे कि सर फाइनल लिस्ट और फाइनल कट ऑफ से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड करो। अब इसके बाद जो मेडिकल होगा उसमें क्या किया है कि जो मेडिकल था उसमें जो हल्का मेडिकल मतलब जो बेसिक था आपकी जो जांच थी वो उन्होंने फिजिकल में कर ली, ठीक है। तो अगर आपके जो मैं आपको बता रहा हूँ कुछ कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आपको रीमेडिकल या मेडिकल से आउट कर सकते हैं, वरना आपको मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एक तो आपकी जो कलर ब्लाइंडनेस है आँखों में, ठीक है, अगर वो है तो फिर आपको क्वालिफाई कर नहीं करेंगे वो, क्योंकि रेलवे में जो कलर ब्लाइंडनेस का जो इश्यू होता है वो सबसे बड़ा इश्यू होता है। चाहे आप किसी भी पोस्ट पे चले जाओ, ALP से लेके RPF तक की जो भी पोस्ट होती है, ASM जो भी, उनमें सब में कलर ब्लाइंडनेस सबसे ज़्यादा चेक किया जाता है, और फोर्स में तो और भी ज़्यादा, चाहे वो SSC की CPO वाली पोस्ट हो या SC UPSC की SC वाली पोस्ट हो, ठीक है। आपको और कहीं थोड़ा सा मौका मिल सकता है, थोड़ा सा रिलैक्सन दे सकते हैं वो, लेकिन कलर ब्लाइंडनेस में बिल्कुल नहीं देंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखें। बाकी अगर आपका इन लिस्ट में नंबर है तो आपकी जो सीट है वो आप श्योर समझें, और सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ जिनका भी लिस्ट में नाम है, ठीक है। और मिलते हैं अपन ट्रेनिंग में, अब आपकी SI की ट्रेनिंग होगी तो आपसे ज़रूर मुलाकात होगी, ठीक है। और इसी के साथ मिलता हूँ अगले वाले वीडियो में। तो जो भी नए स्टूडेंट है वीडियो को लाइक शेयर और जो सब्सक्राइब का बटन है चैनल का वो ज़रूर प्रेस कर दे, जिससे कि आगे आने वाले जो भी नए वीडियो हैं वो आपको मिलते रहें, और जो नए वीडियो आएगा वो NTPC से रिलेटेड आएगा कि आपकी NTPC की जो एग्ज़ाम है वो लेट क्यों हो रही है और अब किस मंथ में होएगी। तो उससे जो नेक्स्ट वीडियो है वो भी मैं आपको बता दूंगा जल्दी। तो इसी के साथ सभी को मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन।